उम्मीद है आप सब खैरियत से ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेकेंड टर्म ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे क्लास नर्सरी की उर्दू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फर्स्ट टर्म के सिलेबस में हमने हरूफ तहजी को लिखना सीखा था और उसको पढ़ना भी सीखा था। इसी तरह हमने आदि अशकाल लिखना सीखी थी और हमारे लास्ट टॉपिक था दो हरफी अल्फाज, जो कि हमने अपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस में उसको हमने पढ़ा भी था और हमने लिखा भी था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो हरफी अल्फाज, अल्फाज बनाए। प्यारे बच्चों, जो हरूफ़ तहजी के अलिफ था ये हर्फ होते हैं। जब हम हर्फों को मिलाते हैं तो वो कोई भी लफ्ज बन जाता है। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे अल्फाज बनाइए, जोड़िए और लिखिए। सबसे पहले हमारे पास जो अल्फाज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है अलिफ बे। अलिफ और अलिफ को जब बे से मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अलिफ बे अब। तो हम यहां पे लिखेंगे अब। सबसे पहले अलिफ, जैसा कि हमने हरूफ़ तहजी के जो हर्फ है उनको लिखना सीखा है, तो अब हम यहाँ पर उन्हीं को दोबारा से लिखेंगे और अल्फाज बनाएंगे। अलिफ बे अब। अलिफ को हम कैसे लिखते हैं, सीधी लाइन नीचे की जानिब और बे लाइन के साथ जोड़ के और बे का नुक्ता नीचे की जानिब, ये क्या बना, अलिफ बे अब। अगला जो हमारे पास जो लफ्ज है वो क्या है, अलिफ मद आ बे। अलिफ मद आ को जब हम बे से मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अलिफ मद आ बे आब। अलिफ मद आ बे और बे का नुक्ता नीचे की जानिब आब। नेक्स्ट वन है अलिफ मद आ गाव। अली मदा को जब हम गाव से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कौन सा लफ्ज बनेगा, आग। अली मद आ और अली मदा की मद और गाव की दो कश होती है, एक और दो। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है अलिफ मद आ पे। अली मदा को जब हम पे से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आप। अली मदा पे आप, अलिफ और इसके ऊपर मद, अलिफ मद आ और पे के कितने नुकात होते हैं, पे के तीन नुकात नीचे की जाने आप। नेक्स्ट वन हमारे पास है अलिफ मद आ जीम। अलिफ मद आ को जब हम जीम से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आज। अलिफ मद आ और जीम, जीम को हम कैसे लिखते हैं, छोटी सी लाइन नीचे, हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर टेढ़ी लाइन नीचे की जाने, वो लाइन से नीचे लेके जाते रहे फिर थोड़ा सा ऊपर और जीम का एक नुक्ता, आज। नेक्स्ट है अली मद आ और मीम। अली मद आ को मीम से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आम, जो कि क्या है, एक फल होता है। अली मद आ मीम आम। हमने क्या पढ़ा, अलिफ बे अब, अली मद आ बे आप, अली मद आ गाफ आप, अली मद आ पे आप, अली मद आ जीम आज, अली मद आ गाफ, अली मद आ मीम आम। नेक्स्ट हमारे पास है अली मद आ से अल्फाज बनाए। अब हमारे पास यहाँ पर अली मद आ मेंशन है, इसके साथ हमें कुछ हर्फ दिए गए हैं। जब हम अली मद आ को इन हर्फ से मिलाएंगे तो ये एक लफ्ज बनेगा। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है गाव, अली मद आ को जब हम गाव से मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, अली मद आ गाव आग। तो हम ये जो हमें ब्लैंक दी हुई हम इसमें लिखेंगे आग, अली मद आ गाव आग। नेक्स्ट हमारे पास जो हर्फ है वो क्या है, मीम। अली मद आ को मीम से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अली मद आ मीम आम, अली मद आ मीम आम। नेक्स्ट वन है अली मद आ और जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो हर्फ दिया है वो क्या,
जीम, अलिफ अदा को जब हम जीम से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अलिफ अदा जी आज। ये हमने अलिफ अदा से अल्फाज बनाए। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फाज बनाए, ये भी हमारे पास दो अरफी अल्फाज है। पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे हरफों को, जोड़ के लफ्ज बनाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे डॉटेड हमें वही वाले जो है वो अल्फाज दिए गए हैं, हम उनके ऊपर पेंसिल फेरेंगे और फिर हम उनको फ्री हैंड लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अलिमत आ पे, अलिमत आ पे क्या बना, अलिमत आ पे आप। अब हम यहाँ पे पेंसिल फेरेंगे कैसे, हमें डॉट्स गिवन है, हम उन डॉट्स को जो है फॉलो करते हुए हम उनके ऊपर पेंसिल फेरेंगे। सबसे पहले अलिफ मद आ सीधी लाइन नीचे की जानिब, लाइन के साथ जोड़ के और मद, अलिफ मद आ और पे क्या बना आप, और पे के तीन नुक्ते नीचे की जानिब। नेक्स्ट है हमारे पास अलिफ मद आ जीम, अलिफ मद आ को जब हम जीम से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आज, अलिफ मद आ जीम आज। सबसे पहले हम अलिफ मद आ लिखेंगे डॉटेड लाइंस के ऊपर और फिर जीम आज। अब यहां पर हमने पेंसिल फेरा, अब हम इसको फ्री हैंड यहां पे लिखेंगे अलिफ मद आ पे आप। अब यहां पर हम फ्री हैंड लिखेंगे आपको लाइन के ऊपर अलिफ मद, अलिफ मद आ और पे, पे के तीन नुक्ते। अब यहां पर क्या है अली मद आ जी, अब हम यहां पर आज लिखेंगे अलिफ और ऊपर इसकी मद, अली मद आ, अली मद आ को हमने किसके साथ जोड़ा जीम के साथ, तो ये क्या बन गया आज। नेक्स्ट हमारे पास है अली मद आ सी, अली मद आ को जब हम सी के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आस, अली मद आ सी आस। अब हम यहाँ पर पहले डॉटेड जो हमें वर्ड जो है वो मेंशन है, हम उसको पहले ट्रेस करेंगे अलिफ और मद, अलिफ मद आ और सीन के शोशे बनाएंगे ऐसे, हाथ को नीचे लेकर आएंगे आगे मोड़ेंगे गोल करके और लाइन से थोड़ा सा ऊपर आस। अब हम यहां पर आस को दोबारा से लिखेंगे फ्री हैंड अलिफ और मद, अलिफ मद आ सीन के शोशे बनाएंगे तीन शोशे, हाथ को नीचे लेकर आएंगे लाइन से नीचे लाके गोल मोड़ के ऊपर, क्या बन गया आस। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है अलिफ मद आ, अलिफ मद आ के साथ हमने कौन से हर को जोड़ा गाव को, अलिफ मद आ गाव आ। अब हम इसको ट्रेस करेंगे अलिफ मद आ, ये हमने जो डॉट्स हैं डॉट्स के ऊपर से हम इसको ट्रेस करें और लाइन के साथ जोड़ के और गाव के दो कश, अलिफ मद आ गाव आग। अब हम यहाँ पे आग को दोबारा से लिखेंगे अलिफ मद, अलिफ मद आ हाथ को नीचे लाया लाइन के साथ जोड़ के आगे लेके जाएंगे और बॉक्स बना के ऊपर और गाव की दो कश, ये क्या बना गाव, अलिफ मद आ गाव आग। नेक्स्ट हमारे पास है अलिफ मद आ, अलिफ मद आ के साथ हमने कौन से हर्फ को जोड़ा मीम, अलिफ मद आ को जब हम मीम से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आम, अलिफ मद आ मीम का ट्रायंगल बनाएंगे, हाथ को आगे लेते रहेंगे गोल मोड़ के नीचे की जाने मीम, अलिफ मद आ मीम आम। अब हम लिखेंगे इसको अली मद आमीन आम। लास्ट वन हमारे पास वर्ड है अली मद आ के साथ हमने जोड़ा नून, अली मद आ नून क्या बना आन, अली मद आ नून आन। अब हम अली मद आ को पहले ट्रेस करेंगे और नून, नून को कैसे लिखते हैं लाइन से ऊपर से शुरू करते हैं, हाथ को नीचे लाया लाइन से नीचे लगेगी गोल मोड़ के ऊपर और नून का एक नुक्ता, अली मद आ नून आन। अब हम इसको दोबारा से लिखेंगे अलिफ मद आ नून आन। स्टूडेंट्स आज हमने दो हरफी अल्फाज पढ़े जिनमें हमने पहले जो थे हरफों को जोड़ा
और फिर उनको लिखा। अब हम अपनी वर्ब बुक में इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपने उर्दू की वर्ब बुक्स जो है वो ओपन करें। स्टूडेंट, जैसा कि ये हमारी सेकेंड टर्म की उर्दू की वर्ब बुक है जिसमें हम कुरान और इस्लामियात को भी पढ़ेंगे, तो आप इसको ओपन करें। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लानर गिवन है। डे वाइज हमने अपने जो हम काम करेंगे उसके मुताबिक आपने यहाँ पे डेट और डे जो है वो मेंशन करनी है। स्टूडेंट, हमारे पेज नंबर 1 पे हमें गिवन है आदि अशकाल वाले हरू। जैसा कि हम अपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस में आदि अशकाल को हमने बहुत बार हमने इसको लिखना सीखा है और हमने इसको दोहराया है, तो हमारे जो पेज है इस पे लिखा हुआ है कि आदि अशकाल लिखें। आपने अपने वालदेन की मदद से आदि अशकाल को यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट्स, आज हमने ये दो हरफी अल्फाज जो हैं वो लिखना है सीखे और हमने इनको पढ़ा भी। जैसा अभी हमने बोर्ड पे इनकी जो है प्रैक्टिस की, आपने इसी तरह जो है आपने अपनी वर्ड बुक पे एज इट इज़ जो है अपने वर्किंग करनी है। और उम्मीद है कि जो पेरेंट्स हैं वो एज अ टीचर बच्चों को गाइड भी करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे काम करने में। और उम्मीद है कि आप बच्चे भी जो हैं वो अपना काम जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे। ये एज इट इज़ जैसे अभी हमने अपनी जो है ये काम किया है वर्ब बोर्ड पे, आपने उसी तरह ये काम जो है अपनी वर्ड बुक्स पे भी करना है। पेज नंबर 5 पे भी है, दो हरफी अल्फाज जोड़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। जैसा अभी हमने बोर्ड पे जो है ये काम किया अलिम मद आ पे, अलिम मद आ को हमने पे से जोड़ा तो क्या बन गया आप। हमने यहाँ पे जो ट्रेसिंग थी, पहले हमने इसको ट्रेस किया और फिर हमने इसको फ्री हैंड लिखा। पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 वर्ड बुक के जो है वो आपका होमवर्क है। ये आपने अपने वालदेन की मदद से जो है वो आपने इसको करना है। अब आप अपना उर्दू का जो उर्दू कायदा है नर्सरी का वो ओपन करें। अब हम इसमें यहाँ पे जो भी दो हरफी अल्फाज हैं अब हम उनको वहाँ पे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41 दो हरफी अल्फाज। अब हम यहाँ उर्दू कायदा से हम दो हरफी अल्फाज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास अलिमत आ बे आब, अलिमत आ पे आब, अलिमत आ जी आज, अलि बे अब। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अली मदा बे, अली मदा को बे से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आप। अब यहाँ पर आपने आप को लिखना है अलिफ मद आ बे आ। नेक्स्ट हमारे पास है अली मद आ जीम, क्या बनेगा आज, अली मद आ जीम आज। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 42 दो हरफी अल्फाज अलिमद आ नून आन, अलिमद आ गाफ आग, अलिमद आ मीम आम। जैसा कि हमें यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, ये देखेंगे फायर की पिक्चर है तो अलिमद आ को गाफ से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आग। फायर को उर्दू में क्या कहते हैं आग। अलिमद आ मीम आम, ये किसकी, ये फल है आम तो इसकी पिक्चर भी आपको गिवन है तो अली मदा को मीम से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आम। नेक्स्ट है अली मद आ जी आज, अलिफ मद आ बे आप, अली मद आ पे आप, अली मद आ सीन आस, अलिफ बे अब, अलिफ सीन अस। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास है अलिफ को बे से जोड़ा तो क्या बन गया अलिफ बे अब, तो अब हम यहाँ पे अलिफ बे अब लिखेंगे अलिमत आ सी आस। डियर स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी उर्दू की वर्किंग। उम्मीद है कि आप सब अपने पेरेंट्स की मदद से इसको अच्छे से करेंगे और अपने उर्दू कायदे से इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।